गाइस वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन लीग का मैच हो रहा है वेस्टर्न यूनाइटेड वर्सेस ब्रिस्बेन रॉर के बीच। तो ये मैच तो भाई ब्रिस्बेन रॉर का है, पहले ही बता रहा हूँ, ये मैच तो ब्रिस्बेन रॉर का है, क्लियर मैच है भाई ये, क्योंकि वेस्टर्न यूनाइटेड इवन एक भी मैच जीत पा नहीं रही। उनके लिए मैच जीतना भाई इतना मुश्किल हो गया जैसे मैं क्या बताऊँ, और ब्रिस्बेन रॉर मैच जीतने से हट नहीं रही। तो ब्रिस्बेन रॉर एक स्ट्रॉन्ग टीम है, वेस्टर्न यूनाइटेड एक बिल्कुल वीक टीम है, तो बिल्कुल ब्लाइंड फेवर के साथ भी जा सकते हो। बाकी बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, जो भी ओपन टीम के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन रहेगी वो इधर आएगी, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं 20 दिसंबर तक थोड़ा सा बिजी हूँ, तो अगर ओपन टीम नहीं आ रही तो मैनेज करो भाई, क्या कह सकता हूँ मैं आपको अब, ठीक है। 20 दिसंबर के बाद सारी कमी बेशी पूरी कर देंगे, बाकी मतलब मिलते हैं। बाकी मैं आपको बोलूँ 20 दिसंबर को डायरेक्टली टीम आपको आएगी ओपन वगैरह, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा देखो ध्यान दे भी नहीं पा रहा ग्रुप में, आप लोगों के इतने मैसेज आते हैं दबा के, अभी लगा लो कई लोगों को रिप्लाई तक नहीं दे पा रहा, तो आप समझदार हो, 20 तारीख तक थोड़ा है यार, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं आगे, तो बात करें इस मैच की, देखिए वेस्टर्न यूनाइटेड और ब्रिस्बेन रॉर, तो ब्रिस्बेन रॉर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टीम है, तो बढ़ते हैं टीम की। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं सीधा बात करता हूँ स्ट्राइकिंग की, देखिए स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर ब्रिस्बेन रॉर का एक प्लेयर जिसका नाम है मिलन सिक, इसको हम काफ़ी दिन से मिडफील्डिंग सेक्शन के अंदर भी पाया जा रहा था ये, तो अब ये इतना ज़बरदस्त हो चुका है कि इसको छोड़ना मतलब हार, सीधा लॉस, ठीक है। तो इसलिए इस प्लेयर के साथ आपको ज़रूर जाना है, इवन हर मैच के अंदर कुछ ना कुछ कर रहा है, शुरुआत से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो 4 गोल तो 5 गोल इसके हो ही गए होंगे, जो कि सीज़न में बहुत हैं, 4 गोल तो बहुत हैं यार, शुरुआत में मैं कहता हूँ बहुत हैं, अभी तो ए लीग की शुरुआत ली है टीम ने और मिलन सिक इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है शुरू से, तो ये तो अच्छी बात है। एल वेल्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं लूँगा एल वेल्स को, एल वेल्स इज़ अ ग्रेट प्लेयर, वेल्स को तो मैं यहाँ पे जरूर लूँगा, लैचलन वेल्स एक्चुअली इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो ही इकलौता वेस्टर्न यूनाइटेड का एक प्लेयर है जो पेनल्टी टेकर है, इवन पेनल्टी टेकर बहुत ज़रूरी होते हैं। कई बार क्या होता है मैच बहुत बढ़िया चल रहा होता है, बहुत बढ़िया, ऐसा एक बीच में दौर आता है जिसमें पेनल्टी आती है, और ना हमारी टीम में पेनल्टी टेकर होता है ना पेनल्टी सेवर होता है, तो वो गेम को ले जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ पेनल्टी टेकर जरूर होना चाहिए। और आगे से बात करें वेडिंगम की, देखिए वेडिंगम अभी तक इतनी अच्छी फॉर्म में है नहीं, तो इसको छोड़ने में मुझे डर नहीं लग रहा, हालांकि इस जैसा खिलाड़ी होता नहीं था, ये इतना स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी था ब्रिस्बेन रॉर का, इवन हर मैच में गोल, हर मैच में, ए लीग से पहले जो एफएफए लीग के मैच चल रहे थे उसमें इस बंदे ने किस मैच में गोल नहीं किया, एक एक मैच में 2-2 गोल किए हैं, बट चल अब नहीं रहा। एंड मिडफील्डिंग की बात करें, ओशिया को लेंगे, ओशिया के बाद हॉर लेंगे, ये तो तीन भाई, ये तो शील्ड है, ये तो आप ये मान के चल लो, ओशिया होर और मिलन सिक, ये तो शील्ड है भाई, एक भी निकलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद डी पैना की बात करूँ, वो अपोजिशन टीम का तो देखो पैना लेना पड़ेगा, उसके बाद थुरगटे हो सकता है आपको इसके साथ भी जाना पड़ जाए, क्योंकि आपके पास चांस है नहीं, और मैं आपको राय दूंगा नहीं कि आप डिफेंडर के साथ ज़बरदस्ती जाओ। उसके बाद डिफेंडिंग की बात करें, देन रिजन तो देखो मैं लूँगा नहीं, ठीक है, जिन्होंने रिजन लेना दे वो यहाँ से थुरगटे को निकाल सकते हैं, बाकी मैंने तो लेना नहीं, तो मैं तो देखो ट्रिविन की पहले बात करते हैं, देखिए ट्रिविन के साथ जाऊंगा पहले, और सिलेक्शन बहुत दिनों से कम थी, लेकिन अब लोगों को पता चल गया ना कि ब्रिस्बेन रॉर तेज़ है, तो फटाफट उन्होंने प्लेयर उठा लिए। एंड जबाला को लेंगे, ठीक है, जबाला के बाद जो अगला प्लेयर है दैट वॉज एल्डर्ड, टी एल्डर्ड के साथ यहाँ पर मैं जाऊँगा, टी एल्डर्ड के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लेयर होगा वो मैं नेविल से, देखिए मैं चाहता हूँ नेविल की जगह मुझे कोई फिफ्थ डिफेंडर मिल जाए इस टीम का, अगर खेलेगा, मैं ज़बरदस्ती नहीं कह रहा, अब मेरे को पता है कि हिंगट खेल रहा है तो मैं हिंगट के साथ जाऊँगा, बाकी अगर इन चारों में से कोई नहीं खेलता तो फिर मुझे नेविल के साथ जाना पड़ेगा, लेकिन जब तक नेविल नहीं आ रहा बेटर है, क्योंकि नेविल बिल्कुल बेकार है। बात करें यहाँ पर गोल कीपिंग की, तो टी हार्वर्ड बेले मेन प्लेयर है इनका, हार्वर्ड बेले पहले तो बहुत अच्छा था पिछले साल, इस साल वो दम तो नहीं है, लेकिन ठीक है हो जाएगा। बात करें कप्तान की, देखिए मेरा जो कप्तान है ओशिया, वाइस कप्तान है वो मिलन सिक के साथ जा सकते हो, एच हॉर के साथ जा सकते हो, बेधड़क जा सकते हो, बाकी मैं अभी मिलन सिक के साथ हूँ क्योंकि वो स्ट्राइकिंग में डल चुका है, तो स्ट्राइकिंग में आने का मतलब है बहुत बड़ी बात। तो ये हमारी टीम में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।